तस्करी पर वन विभाग ने लगा दिया है पूरी तरह से लगाम। वन अधिकारी शिफ्ट वाइज वन में करते रहते हैं गश्त। अवैध रूप से वन में प्रवेश करने वालों पर की जा रही है कार्रवाई। डीएफओ विकास यादव ने दी जानकारी। जनपद में बाढ़ से बचाव के लिए शासन के निर्देश पर सभी अधिकारी गांव में लगाएंगे राहत चौपाल। गांव वालों को बाढ़ से बचाव के लिए दी जानकारी। एसडीएम सदर ने हसिंग बंधु ने दी जानकारी। मौसम बदलने से लोगों की हो रही है तबीयत खराब। बारिश में भीगने से बचे नागरिक। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। सदर सांसद रवि किशन व बासगांव सांसद कमलेश पासवान द्वारा जनपद के गोताखोरों में बाढ़ से बचाव के लिए किट का किया वितरण। कहा, किट से गोताखोर बनेंगे हाईटेक, कर पाएंगे अपनी भी सुरक्षा। एसडीएम सदर नेहा बंधु की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। फरियादियों की सुनी गई फरियाद। समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रताप सभागार में स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, सभी संगठनों को एक साथ लेकर लोगों की समस्याओं को हल करना ही है महाराणा प्रताप की प्रेरणा। चरगावा कंपोजिट माध्यमिक विद्यालय के बच्चे मिड डे मील का खाना खाकर हुए बीमार। बीएसए ने कहा, बच्चों का अस्पताल में चल रहा इलाज, सभी बच्चे हैं स्वस्थ। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। वन विभाग ने तस्करी पर पूरी तरह से लगाम लगा दिया है। इसके संबंध में डीएफओ विकास यादव ने बताया कि वनों की तस्करी पर हम लोगों ने पूरी तरह से लगाम लगा दिया है। यदि कोई घटना होती है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। इस समय कोई भी वन में अपराध नहीं हो रहा है। वन के अधिकारी शिफ्ट वाइज वन में घूमते रहते हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जंगल में अवैध तरीके से प्रवेश न करें। यदि कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हम लोग जगह जगह बैरियर लगवा दिए हैं जिससे कोई भी वन में ना जा सके। संवेदनशील इलाकों में पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीएफओ विकास यादव ने कहा, वनों की तस्करी पर हम लोगों ने पूर्णतः लगाम लगा दी है। महीने दो महीने में कोई इक्का दुक्का घटना होती है, उस पर हम लोग पूर्ण कार्रवाई करते हैं। लेकिन किसी भी तरह की तस्करी जैसा जो है अपराध वनों में इस वक्त नहीं हो रहा है। उसमें पूर्णतः लगाम लगी हुई है। हमारा स्टाफ जो है 24 घंटे जंगल में शिफ्ट में गश्त करता है। हम लोगों ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगा रखी है। लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि जंगल में अवैध तरीके से प्रवेश ना करें। यदि कोई अवैध तरीके से प्रवेश किया हुआ पाया जाता है तो उसमें पूर्णतः दंडनीय कार्रवाई होती है। आप लोगों के माध्यम से, हमारे मीडिया के माध्यम से, हम लोग लगातार लोगों को इस बारे में सचेत भी कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। हम लोगों ने जगह जगह सुरक्षा खाई खुदवाई है और बैरियर लगा दिए हैं। बैरियर के जब भी कोई अंदर जाता है तो बिना परमिशन के नहीं जा सकता है। इस तरीके से बोर्ड लगवाए गए हैं और इसी के साथ साथ ही हम लोगों ने चैनलिंग फेंसिंग का अभी हम लोग जहाँ भी हम लोग करवा पा रहे हैं वहाँ करवा रहे हैं। संवेदनशील इलाकों को पूर्णतः बंद कर दिया गया है, इससे कि जो है अनावश्यक रूप से लोग जंगल में प्रवेश ना करें और खासतौर पर जो अपराधी हैं उनको जंगल प्रवेश के पे रोकथाम पूरी तरह रोक लगे। और यदि कोई अपराध करता है तो उस पर हम लोग पूरी कार्रवाई करके भविष्य के लिए जो है उस पर रोक लगाते हैं। शासन के निर्देश पर जनपद में सभी अधिकारी बाढ़ से बचाव के लिए राहत चौपाल लगाएंगे, जिसके संबंध में एसडीएम सदर नेहा सिंह बंधु ने बताया कि शासन से निर्देश प्राप्त हुआ है कि सभी अधिकारी गांव में राहत चौपाल लगाएं, जिसको देखते हुए राहत चौपाल लगाया जाएगा जिसमें सभी विभाग के लोग रहेंगे और लोगों को व्हाट्सएप माध्यम से जोड़ा जाएगा जिससे बाढ़ से बचाव किया जा सके। उनको बताया जाएगा कि बाढ़ की क्या तैयारियां हैं। उन्होंने बताया कि गांव में पशुपालन विभाग द्वारा बाढ़ से पहले वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी और सिंचाई विभाग की तैयारियों से अवगत करवाया जाएगा जिससे कि बाढ़ के समय बचाव किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर नेहा बंधु ने कहा, की जो संभावना के दृष्टिगत राहत चौपाल का हमें शासन से आदेश हुआ है, तो इसके दृष्टिगत राहत चौपाल में क्या है, हमारे यहाँ जैसे सदर में जैसे 37 गाँव में हम राहत चौपाल का आयोजन करेंगे। इसमें विभिन्न विभागों के लोग रहेंगे। उसमें जो लोकल लोग हैं वहाँ पे कम से कम 35 लोगों को जो है एक व्हाट्सएप के माध्यम से भी उनको सारा ये जोड़ा जाएगा और ये बताया जाएगा कि बाढ़ की के दृष्टिगत हमारी क्या क्या तैयारियां हैं। पशु विभाग वाले जो वहां पे पशु हैं उनके वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी करेंगे, उनका पूरा वैक्सीनेशन बाढ़ से पहले हो जाए।
जो चिकित्सा विभाग है और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा है, तो उसमें उनको जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको संक्रमण होने की ज्यादा संभावना है बाढ़ के दृष्टिगत, तो उनकी ये कोशिश रहेगी कि उनको उनकी सुरक्षा बाढ़ में ज्यादा ठीक हो जाए और उनकी जो वैक्सीनेशन और जो भी उनकी प्रक्रियाएं हैं वो समयावधि से पूरी हों। इसके अतिरिक्त जो लेखपाल हैं, जो वहाँ के सचिव हैं, जिनका लोगों से कनेक्ट ज्यादा है, जो लोगों जो लोकल गाँव में इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनका सहयोग हमें प्राप्त हो, उनको ये जानकारी हो कि सिंचाई विभाग वाले इसमें कहाँ क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, हमारी क्या तैयारियां हैं, यदि उनको कोई भी आपत्ति होती है तो उनको ये पता रहे कि बाढ़ चौकी यहाँ स्थित है, बाढ़ राहत शिविर यहाँ बनाया गया है, उसमें इन इन लोगों की ड्यूटीज लगाई गई हैं और उन लोगों के जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं वो उनको जानकारी हो कि हमें अगर विपत्ति आए, हमें जब कोई भी इमरजेंसी के टाइम किससे हमें संपर्क करना है। तो बाढ़ राहत चौपाल का मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि जो लोकल लोगों को समझ में आए कि कौन क्या है, कौन अधिकारी कौन है, कौन कर्मचारी कौन है और किस तरह से हम जब बाढ़ आए तो हम उसमें अच्छे से जो प्रिपरेशन हमारी ऐसी रहे कि जो उससे जो क्षति हो वो मिनिमम टू मिनिमम रहे। जनपद में मौसम बदलने से लोगों की तबीयत खराब हो रही है, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि वर्तमान समय में कहीं धूप हो रही है तो कहीं बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जनपद में मरीज गैस, इंसेफ्लाइटिस, जुकाम, बुखार के हो रहे हैं। इसके बचाव के लिए आप लोग पानी में भीगने से बचें। यदि आप पानी में भीग जाते हैं तो शरीर को सुखा लें और स्वच्छ जल व ताज़े भोजन का प्रयोग करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, वर्तमान समय में रह रह के धूप निकल आ रही है, रह रह के बारिश हो रही है, इसकी वजह से चिकित्सालय में आने वाले ज़्यादातर मरीज जो हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस के हो रहे हैं, जुकाम बुखार के मरीज हो रहे हैं और स्किन डिजीज़ के मरीज आ रहे हैं। इसके बचाव के लिए क्या-क्या? देखिए, इसे बचाव का सिर्फ तरीका ये है कि पानी में भीगने से बचें। अगर आप पानी में भीग जाते हैं तो अपना बदन पूरी तरह से सुखा लें तथा ढीले ढाले कपड़े पहने, टाइट वस्त्र ना पहने, स्वच्छ जल का प्रयोग करें, ताजे भोजन का प्रयोग करें। जनपद में सदर सांसद रवि किशन व बांसगांव सांसद कमलेश पासवान द्वारा पुलिस लाइन में गोताखोरों को बाढ़ से बचाव के लिए किट वितरित किया गया, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि इस किट के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं, जो कि ऐसे लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो कि बाढ़ के समय लोगों की जान बचाते हैं, उनके हित के बारे में सोचा और उनके बचाव के लिए किट दिया है। ये लोग पानी में अपनी जान पर खेल कर लोगों की जान बचाते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। उनको लाइट लाइफ जैकेट सहित अन्य सामग्री वितरित किया गया है जो कि लोगों की बाढ़ के समय रक्षा करेंगे। इस अवसर पर एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस विनीत सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जयचंद यादव खजनी से प्रद्युम्न तिवारी, थोड़ा दब जाइए आप, थोड़ा बीच में हो जाएंगे तो ठीक रहेगा, आगे पीछे हो जाइए, आगे पीछे हो गया। स्नान है और नदी घाटों के पर्व हैं, छठ पर्व है, कार्तिक पूर्णिमा है, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन है, ऐसे समय में भी जब हमारे समाज से कोई व्यक्ति इन आयोजनों के दौरान नदी में फिसल जाता है, डूब जाता है किन्हीं कारणों से, और उन बिरादरी रजा बैठल बाटे, हम उन बिरादरी के धन्यवाद दे, सिंह साहब के धन्यवाद कि सिंह साहब पूज्य महाराज जी के राज्य सरकार की सोच को बढ़ाए, हम दोनों को तुरंत फोन किए
हम दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन सिंह साहब को बोले कि आप जोन टाइम बोलवा, हम लोग दोनों वहां पहुंच जाएंगे। और हम लोग अपने समय पे आए। एडीएम साहब हैं, बहुत सेंसिटिव व्यक्ति हैं, बहुत भावुक व्यक्ति, बड़ा इन्हों मानवता के लेके गोरखपुर और गोरखपुर के मंडल के सभी पदाधिकारी या जितने भी सांसद विधायक गण हैं, क्योंकि पूज्य महाराज जी वैसे काम करते हैं, तो हर व्यक्ति यहाँ ऐजा ई क्षेत्र में जो बाकी लोगों का हम ना बोल और ना बोल पाई, लेकिन इतना हम जाने लगा चूंकि हमारे करीब हैं सब, कि बहुत मानवता के प्रति बाकी इस सरकार के सोच पर, हम ही लोगों के सांसद जी लोगों के सोच पर, विधायक गण के, प्रतिनिधि गण के, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के, दिल से धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के, डबल इंजन सरकार के, कि सोच की गोताखोर जो जीवन का रक्षा कर लन, आज उन लोगों के सम्मान हुई और सम्मान में आज उन लोगों को। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, मैं राज्य सरकार पूज्य महाराज जी को दिल से धन्यवाद, डबल इंजन सरकार को, ये सोच जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की भी है कि वंचितों को, शोषितों को, गरीब को, ऐसे लोगों पे जहां किसी की नजर नहीं जाती, सूक्ष्म सोच का नतीजा है। इसीलिए सबसे बड़ी पार्टी और ये सरकार, इसलिए जय जयकार होती है हर जगह इस सरकार की, पूज्य महाराज जी की सोच। मैं सिंह साहब को, हमारे एसपी साहब को धन्यवाद दूंगा, हमारे एडीएम साहब को मैं धन्यवाद दूंगा, माननीय सांसद बांसगांव कमलेश पासवान जी को धन्यवाद दूंगा कि अब सब लोगों ने समय निकाल के यहाँ आए और सब लोग आज उन लोगों को सम्मानित किए जो लोगों की जान बचाते हैं, उनको राहत किट, सेफ्टी बैग, सेफ्टी जैकेट, लाइट, एवरीथिंग जो भी बचाने के कार्य है, तो उनको हाईटेक किया गया। जैसे कि गोरखपुर आप लोग जान रहे हैं एक हाईटेक सिटी के रूप में जाना जा रहा है, एक नजीर पेश कर रहा है पूरे भारत में। स्वच्छता हो, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे इस दौरे में, वंदे मातरम हो, हर जगह पर वंदे भारत हो, हर तरीके से गोरखपुर आगे बढ़ रहा है। अब हम लोग अपने उस सारे नाविकों को जो कि गांव देहात इलाके में रहते हैं, जहां कोई अचानक घटना हो जाती है, बच्चे गिर जाते हैं पानी में, नहाते नहाते डूबने लगते हैं, तो हमारे लोग एक किट लेके तुरंत कूद के उनको बचा लें। तो ये बहुत सुंदर सोच है। मैं पुलिस प्रशासन को, पुलिस लाइन में हम लोग इस वक्त मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मैं चाहूंगा माननीय सांसद जी भी इस पर एक शब्द। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नाविकों और गोताखोरों को सम्मान का आज कार्यक्रम था। आज इस कार्यक्रम में आदरणीय सांसद गोरखपुर रवि किशन जी, एसपी साहब, एडीएम साहब के नेतृत्व में आज हम सब लोग उपस्थित हुए और बांसगांव गोरखपुर के उन सभी गोताखोरों को बुलाकर आज हम लोगों ने उनका सम्मान किया, जो विषम परिस्थितियों में जब बाढ़ आता है या नदी में लोग डूब जाते हैं, तो उनको खोजने के लिए, उनको बचाने के लिए अपनी जान पर खेल कर उनको नया जीवन देने का काम करते हैं। आज हम सब लोग मिलकर उनका सम्मान किए। आज मैं एक बार पुनः अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम चलाकर जो समाज के जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एक पहचान मिले, सम्मान मिले, एक बार पुनः धन्यवाद। एसडीएम सदर नेहा बंधु की अध्यक्षता में तहसील के सभागार में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एसडीएम सदर नेहा बंधु ने बताया कि तहसील समाधान दिवस में अधिकतर मामले पैमाइश के आए हैं। इसके अलावा विद्युत विभाग में मीटर लगाने के मामले, चकबंदी गांव के मामले आए हैं, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को अवगत करा दिया गया है, जिससे कि समय पर समस्या का निदान किया जा सके। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण किया जाए और जो लोग तहसील दिवस में नहीं आ पाते हैं, उनकी समस्या का 10 बजे से 2 बजे तक ऑफिस में बैठ कर सुनवाई कर समस्या का निस्तारण किया जाता है। इस अवसर पर नायब तहसीलदार विकास कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर नेहा बंधु ने कहा, अलग अलग विभाग के मामले आ रहे हैं। राजस्व विभाग में कुछ पैमाइश के मामले थे और कुछ बिजली विभाग में मीटर लगाने के मामले अभी सामने आए हैं। कुछ चकबंदी में गाँव है, उनसे रिलेटेड भी मामले आए हैं, तो उसमें संबंधित कर्मचारियों को और जो भी संबंधित कंसर्न अधिकारी बिजली विभाग के या कोई अन्य विभागों के, उनको तुरंत ही बुला के उन्हें मामले से अवगत कराया गया और तुरंत ही उन्हें आदेश दिया गया है कि यदि आज ही संभव है तो आज ही उस समस्या का निदान किया जाए। यदि पैमाइश जैसे इस तरह के मामले हैं तो कम से कम 7 दिन के भीतर उनका समस्या का समाधान हो जाए। अब एक समाधान दिवस है, एक थाना दिवस है, इसके अतिरिक्त शासन के ये भी हमें निर्देश आए हैं कि सुबह 10 से 12 के बजे
रोज ही प्रतिदिन जन सुनवाई की जाए। तो हर प्रत्येक तहसील में, अब मैं अपने तहसील का बता सकती हूँ कि डेली 2 घंटे क्या 3 से 4 घंटे में बैठती हूँ। तो यदि कुछ लोग हैं जो थाना दिवस या समाधान दिवस में नहीं आ पाते हैं, सैटरडे का इंतजार ना करें, वो डेली आके मेरे ऑफिस में अपना जो समस्या है प्रार्थना पत्र के माध्यम से बता सकते हैं, और वो जो समस्याएं हैं उनका भी पूरा रिकॉर्डेड रहता है। और कोशिश यही की जाती है कि लोगों की समस्याओं के लिए उनको बार बार ना आना पड़े और उनकी समस्याओं का निदान हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को तारामंडल रोड स्थित क्षेत्रीय भवन प्रताप सभागार में स्थापित महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराणा प्रताप ने देश के लिए अपना बलिदान दिया था। एक बार में अरावली की पहाड़ियों में गया था, तब लोग ऊपर रह रहे थे। उन्होंने कहा, हम लोग नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि सरकार हमको घर तो देगी लेकिन हमारा स्वाभिमान नहीं दे पाएगी। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि जिन कारणों से द्वेष जुल्म हुआ है और छुआछूत आ गया है, उन सभी कारणों को ख़त्म करना होगा। उस समय महाराणा प्रताप ने अपना बलिदान दिया था। उन सभी राष्ट्रनायकों की प्रेरणा से प्रेरित होकर वर्तमान पीढ़ी को जोड़ें जिसके खिलाफ सामाजिक संगठनों को कार्य करना आवश्यक है। सभी जातीय संगठनों को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत से लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। हम लोगों को जागरूक करना होगा कि दहेज नहीं लेना चाहिए और बालक व बालिकाओं में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम को अपवित्र किया गया है। जब एकजुट समाज एकजुट हो गया तो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसलिए सभी व्यक्ति को जोड़कर आगे चलना, यही महाराणा प्रताप की प्रेरणा है। यही सच्ची महाराणा प्रताप की सर्वोच्च बलिदान है। और सभी लोग हल्दी घाटी पहुँचते हैं, उन लोगों के बारे में सोचिए जो जनजाति क्षेत्रों में रहते हैं। वहाँ पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लग गई है। उन लोगों ने बताया कि हम लोग महाराणा प्रताप के वंशज हैं। यदि हम सही मायने में महाराणा प्रताप को मानते हैं तो उनको अपने साथ जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि पादरी बाजार के पास एक पथिक टोला है। जब 1998 में चुनाव लड़ा था तो वहाँ नहीं गया क्योंकि वहाँ पर महिलाएँ केवल कार्य करती हैं। अचानक में 2004 में गया और उनसे बात की। हमने उनसे पूछा कि क्यों नहीं आती हैं, तो उन्होंने बताया कि हम लोग भाजपा को वोट देते हैं क्योंकि भाजपा लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है। वह लोग सैकड़ों वर्ष पहले आए थे, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? गरीब छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था कौन कराएगा? यह महाराणा प्रताप की प्रेरणा है। जातियों संगठनों की तरह हम लोग भी आचरण करने लग जाएंगे तो कार्य नहीं हो पाएगा। यह अभियान हम सबका दायित्व बनता है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, आरडी सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की, गुरु गोरक्षनाथ महाराज की, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की। अनावरण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सांसद श्री रवि किशन शर्मा जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य, उनकी सेना और सेना ही नहीं उनके चेतक का भी तो योगदान है। उनकी सेना का योगदान भी है, आवासा का योगदान भी है, उनके सेनापति गुंजा जैसे सेनापतियों का भी योगदान है, और वीर और मीना उस क्षेत्र के जुड़े हुए वे जनजातीय समुदाय भी, जिन्हें दुर्भाग्य से आने वाले समय में हमने चौचूत और अस्पृश्यता के तौर अपने आप से रद्द कर दिया। यानी जो जाति देश और समाज के लिए लड़ रही हो उसके साथ छुआछूत हो, भेदभाव हो, इससे बड़ा महापाप और क्या हो सकता है। जब जयपुर के राजा ने इस बात पर आपत्ति की कि मैं अकेली थी, मुझे तो महाराणा के साथ ही भोजन देना था,
उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र साथ में आपका साथ को वहां पे आपकी सेवा में रखेगा। महाराणा प्रताप से जब इस बात को कहा गया कि आखिर आपने जयपुर के नरेश के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया, उनका साफ कहना था स्वदेश और स्वधर्म के लिए जिस व्यक्ति के मन में सम्मान का भाव न हो उस राज्य के लिए वो व्यक्ति अपने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करता हो उसके साथ मेवाड़ का राजवंश कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकता है। स्वदेश और स्वधर्म के लिए लड़ाई जाति की लड़ाई नहीं थी, देश और धर्म की लड़ाई थी और यही कारण था कि महाराणा प्रताप के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अगर जो भी किले उस समय भले कुछ खोए हो लेकिन कुछ अंतराल के उपरांत उन्होंने सभी दुर्ग और किलों को वापस जीत करके न केवल सनातन धर्म का बल्कि भारत के स्वाभिमान को बढ़ाने का काम भी किया और क्या सीधे जनपद में चरगावा कंपोजिट माध्यमिक विद्यालय में मिड डे मील का भोजन करके बच्चे बेहोश हो गए। आपको बता दें कि गोरखपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय में दोपहर के भोजन में राजमा चावल परोसा गया, खाना खाते ही बच्चे बेहोश हो गए। वहीं इस संबंध में बीएसए रामेंद्र सिंह ने बताया कि सभी बच्चे स्वस्थ हैं, फूड विभाग से जांच करवाया गया है, खाने में कीड़ा नहीं पाया गया है। कुछ बच्चे भर्ती हैं जिनको जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। आप अच्छे पद की तरफ से हैं, आप इसको बंद कर दीजिए 2 मिनट के लिए, पहले मेरे को टीचर से बात करने दीजिए, फिर हम आपकी सारी बातें का जवाब देंगे। और आपके एक मैनेजर यहाँ पे आए हुए थे जो अच्छा पात्र में जो जिस बर्तन में कीड़े निकले हुए हैं उसको फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसए रामेंद्र सिंह ने कहा, ये विकास खंड चरगावा के कंपोजिट स्कूल सराय गुलरिया का एक मामला आया है संज्ञान में। हम लोग वहाँ पे अपने जाँच टीम को भी हमने भेजा है, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और जिला समन्वयक मिड डे मील वहाँ पे उपस्थित हैं। इसमें कुछ बच्चे, ये सूचना मिली कि अक्षय पात्रा के द्वारा जो भोजन दिया जाता है इसको खाकर ही बीमार हो गए और कुछ लोगों ने उसमें ये बताया कि इसमें कीड़े हैं। फिर हम लोगों ने खास सुरक्षा अधिकारी से उनके सैंपल की जाँच कराई और जिस विद्यालय की घटना थी वहाँ भी सैंपल की जाँच कराई गई। ऐसी कोई खास सुरक्षा अधिकारी ने बताया ऐसा कोई मामला नहीं है, उसमें कीड़े नहीं हैं। वो चूँकि जो राजमा की सब्जी दी जाती है अक्षय पात्रा के द्वारा वो अंकुरित था, अंकुरित की जो फली थी बनने के बाद जब फूल गई तो ऐसा लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हुआ और कुछ बच्चे बीमार हुए थे। CHC पे हम लोगों ने उनके इलाज के लिए भेजा, सब सही हो गए हैं और लगभग सब अपने घर चले गए हैं। अभी 8-10 बच्चे और हैं और उन लोगों को भी हम सुरक्षित हम लोग घर भेजें।